मार्केट सो रहा है सर, मार्केट सो रहा है तो मार्केट को जगाने का काम करते हैं, जागरण प्रकाशन बाई करते हैं। जागरण प्रकाशन तो शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं मार्केट सोता हुआ लग रहा है, अब वो इंट्राडे के हिसाब से कह रहे हैं पंकज चंद्र जी, क्योंकि तेजी आई है लेकिन आई थी ओपनिंग में ही सुबह सुबह आकर के, उसके बाद से एक ये सुस्ती दिख रही है, उस सुस्ती के अंदर में कहां पे मौका है वो कह रहे हैं जागरण प्रकाशन सर। 4.5% के आसपास की ऑलरेडी तेजी दिखा रहा है ये सर, अभी बाई कर सकते हैं इसको। पहला टारगेट 72, सेकंड टारगेट 78 और 80 के होंगे, बाद में बड़े टारगेट होंगे इसमें 1900 और 50 के। ये नींद से जाग रहा है काफी टाइम बाद में, ये मैंने आपके स्टोर में नीचे के रिकमेंड 50 पॉइंट पे रिकमेंड किया था, वो 60-65 तक गया था, अभी अभी नई रैली के लिए तैयार हो रहा है सर। जैसे मैंने स्टॉक पिक किया था नव भारत वेंचर, सेम पैटर्न पे ये स्टॉक है, ये शायद अगले 6 महीने साल भर तक रेगुलर पिक में रहेगा। अच्छा ठीक है, जागरण प्रकाशन मीडिया के अंदर का, दैनिक जागरण अखबार का ब्रांड का कंपनी उसके पीछे की, और तेजी आ रही है तो कह रहे हैं चंद्र जी कि अब इसके अंदर में शायद ये थोड़ा समय तक और रहेगा, लेवल्स आपको बता दिए, स्ट्रेटेजी बता दी है, बढ़िया मौका है, तेजी दिख भी रही है और आगे कंटिन्यू भी रह सकती है कह रहे हैं चंद्र। सर इसमें एक चीज और ऐड करनी थी, इसको पोजिशनल बाय करना है तो 59 का स्टॉप लॉस लगा ले और डे टू डे देखना बंद कर दे, और भूल सकते हैं, फिर ये बढ़िया मुनाफा दे सकता है थोड़े लंबे समय में। ठीक है सर, टारगेट्स कहां तक देख रहे हैं इसके आगे के? सर पहले टारगेट छोटे से, पहले दो टारगेट छोटे 72 और 78, 80 के बाद में स्टॉक बड़ा धमाका करेगा जहां 90-100 के टारगेट होंगे और बाद में 150-200 के बाद भी करेगा। अच्छा ठीक है, चलिए तो ये है राय जागरण प्रकाशन पे। और सर इसमें एक चीज ऐड करनी, रिस्क बहुत छोटी है अपनी, 8-9 रुपए के रिस्क है, ऊपर में रिवॉर्ड बड़ा है तो ये ट्रेंड जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है,